नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो 12th का मैथ का सिलेबस है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है इस बार पूछा जाएगा, यानी अपने बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कितने नंबर के बनने वाले हैं। अब आगे उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। नाम क्या है इसका? संबंध एवं फलन, यानी इसको क्या कहते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको एक तो पता होना चाहिए कि फलन क्या होता है, और एक इसके बारे में पता होना चाहिए कि संबंध क्या होता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? फलन के बारे में। तो फलन या फंक्शन होता क्या है? जो फलन होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी चरराशि जो किसी दूसरी चरराशि पर निर्भर करती हो उसको अपन क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ संबंध की, तो संबंध क्या होता है? किसी एक चीज़ का संबंध दूसरे से रिलेट करे या दूसरे से संबंध स्थापित करे उसे संबंध कहते हैं। जैसे माता का पुत्र के साथ संबंध होता है, भाई का बहन के साथ संबंध होता है। इसी प्रकार मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ संख्याएँ, कुछ फलन इस प्रकार होते हैं जिनका संबंध एक दूसरे के साथ में होता है। अगर अपन मैथमेटिक्स में देखें तो संबंध टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 प्रकार में अपने जो मैथ में संबंध दे रखे हैं वो 3 टाइप के ही दे रखे हैं। लेकिन इससे पढ़ने से पहले अपन कुछ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर अपने जो 11th क्लास में जो समुच्चय वाला है, फलन और संबंध वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि अपन देखें तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में। एक होता है आपके पास में प्रांत, एक होता है सहप्रांत और एक होता है परिसर। इन सब के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रांत, सहप्रांत और परिसर होता क्या है? जैसा अपन पढ़ते हैं, मान लो कोई समुच्चय ए है और ये कोई समुच्चय बी है आपके अपने पास में। इसके अवयव आपको दे रखे हैं, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, और इसके दे रखे हैं मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार अवयव दिए हुए हैं। जैसा मैं बताऊं कि एक का संबंध किसके साथ में है, माना दो के साथ में। दो का संबंध किसके साथ में है? तीन के साथ में। तीन का किसके साथ में है? अपने पास में चार के साथ में। और चार का संबंध किसके साथ में दे रखा है अपन ने? पांच के साथ में। तो अब अपने को ये पता लगाना है कि प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। प्रांत का मतलब क्या होता है? इस ए के जो भी अवयव होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। अब एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए। पहली बात तो संबंध कब बनता है? जब ए के सभी अवयवों का संबंध बी में हो। अगर एक भी अवयव रिक्त रह जाएगा मतलब ये संबंध ही नहीं रहेगा। अब संबंध है तो संबंध की परिभाषा क्या होनी चाहिए? कि ए के सभी अवयव बी में किसी ना किसी प्रकार से संबंधित होने चाहिए। तो ए के अवयव तो क्या कहलाते हैं? प्रांत। और ए बी के अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास में? सहप्रांत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं अपने पास में? सहप्रांत। इसके अलावा एक होता है अपने पास में परिसर। ए के अवयवों का संबंध बी के जिन जिन अवयवों से है, जैसे एक का दो के साथ में है, दो का तीन के साथ, तीन के चार के, और चार का किसके साथ में है? पांच के साथ में। तो ये जो संबंध जिन अवयवों के साथ में है वो किसके अवयव कहलाएंगे? केवल परिसर के। मतलब अगर मैं बात करूँ सहप्रांत के अवयव, तो सहप्रांत के 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल अवयव होंगे, जबकि परिसर के अवयव क्या क्या होंगे? केवल 2, 3, 4 और 5। ये अपने पास में होते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब अपन बात करते हैं संबंध के प्रकार के बारे में। संबंध मैंने आपको बताया टोटल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो वैसे तो संबंध टोटल 8 प्रकार का होता है, लेकिन जो अपनी बोर्ड एग्जाम है 12th की उसमें केवल 3 प्रकार के दे रखे हैं। जो पहला दे रखा है वो है आपके पास में स्वतुल्य। क्या दे रखा है? स्वतुल्य। दूसरा है उसको दे रखा है सममित, और तीसरा जो प्रकार दे रखा है उसको अपन क्या बोलते हैं? संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये 3 प्रकार होते हैं संबंध के। स्वतुल्य तो क्या होते हैं? देखो आपको पता होगा कोई भी एक समुच्चय ए है, इस समुच्चय आपको पता होते हैं क्या होते हैं? जैसे समुच्चय के अंदर है आपके पास में ए बी सी डी,
ये क्या होते हैं, इनके अवयव होते हैं। अब इसका संबंध किसी ना किसी तरीके से होता है, तो स्वतुल्य संबंध क्या कहलाता है कि आपके पास में कोई भी अवयव ए है जो किसके अंदर बिलोंग करता है, रिलेशन यानी संबंध में बिलोंग करता है। अब उस ए का संबंध अगर ए के साथ में है, मतलब ए का संबंध खुद के साथ में ही होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। ठीक है, उसी के बाद में आगे पढ़ते हैं अपन सममित के बारे में। सममित क्या होता है, मान लो आपके पास में दो अवयव हैं A1 और A2, A1 और A2 ये दोनों ही किसके अंदर बिलोंग करते हैं, आपके पास में समुच्चय A के अंदर बिलोंग करते हैं, और इन दोनों का संबंध कुछ इस प्रकार होगा। मान लो A1 का संबंध तो किसके साथ में है, आपके पास में A2 के साथ में। अगर ये संबंध है तो स्वतुल्य के लिए क्या होना आवश्यक है, तो आपके लिए A2 का संबंध किसके साथ होना आवश्यक है, A1 के साथ में भी होना आवश्यक है। अगर A1 का संबंध A2 के साथ में है तो A2 का संबंध A1 के साथ सापेक्ष भी होगा, वो क्या कहलाएगा, सममित या सिमेट्रिक। आगे जो तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं संक्रामक या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होते हैं, माना अपने पास में तीन अवयव हैं A1 A2 और A3, अगर ये तीनों किसी समुच्चय A के अंदर बिलोंग करते हैं, अगर इनका संबंध अपन परिभाषित करें, तो संबंध परिभाषित करने के लिए कुछ इस प्रकार होना चाहिए। मान लो अपने पास में A1 A2 बिलोंग करता है किसके अंदर, R में, मतलब A1 A2 का संबंध R में है। इसी प्रकार A2 A3 का संबंध भी किसके अंदर है, R में है। तो संक्रामक ये कहता है कि अगर A1 A2 का संबंध R में है, A2 A3 का संबंध R में है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तब आपके पास में ये होना चाहिए कि A1 का संबंध A3 के साथ में भी होना चाहिए। अब इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार होगा, मैं आपको अभी क्वेश्चन देता हूँ। देखिए जो अपना क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ इस प्रकार होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगाना है कि जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर R दिया हुआ है। R क्या दिया हुआ है, XY है, जहाँ पर Y है वो क्या है, X+5 के बराबर है, और X का जो मान है वो किससे छोटा होगा, 4 से छोटा। लेकिन कौन सी संख्याओं के लिए, ये केवल N से N में बिलोंग करता है, मतलब प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक संबंध R बनाते हैं। संबंध R में X और Y के लिए दिया हुआ है, यानी अगर X का मान अपन 1 रखेंगे तो यहाँ पर पता है कि X में 1 जोड़ने पर क्या आएगा, वो 4 जोड़ने पर कितना आएगा, अपने पास में Y आएगा। मतलब अगर 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा, अपने पास में 6 आएगा। इसके अलावा अगर मैं X की जगह 2 रखता हूँ तो अपने पास में कितना आएगा, 7 आएगा। अगर मैं X की जगह कितना रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। और आपको पता है X का मान 4 या 4 से छोटा रखना था, इसका मतलब लास्ट वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 4, या फिर 4 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 9। ये अपने पास में क्या हो गया, R एक संबंध हो गया। अब सबसे पहले किसकी जाँच करते हैं अपन, स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास में A है तो A किससे संबंध होना चाहिए, A का A से संबंध होना चाहिए। अब क्या आप इसमें कोई अवयव देखो, यहाँ पर 1 है, क्या 1 का 1 के साथ संबंध करता है क्या, ये इससे बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 का 1 के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये संबंध क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। इसी प्रकार अपने को जाँच किसकी करनी है, सममित की। सममित क्या कहता है कि अगर कोई फलन जिसका 1 का संबंध अगर 2 के साथ में है, यानी अपन देखें तो A1 का संबंध किसके साथ में है, मान लो A2 के साथ, तो क्या पढ़ा था अपन ने, अगर ये रिलेट करता है तो A2 भी किसके साथ संबंधित होना चाहिए, A1 के साथ, ये कंडीशन थी ना। अब इसी को देखते हैं, देखिए यहाँ 1 का संबंध किसके साथ है, 6 के साथ है, क्या 6 का संबंध 1 के साथ है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो ये इसमें संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये जो संबंध है वह सममित भी नहीं होगा। आगे किसकी जांच करेंगे, संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, आपके पास में 3 अवयव होते हैं A1 A2 और कौन सा होता है आपके पास में A3, ये तीनों A में बिलोंग करते हैं, जहाँ आपने पढ़ा था A1 का संबंध किसके साथ में है, A2 के साथ, और A2 का संबंध किसके साथ में है, A3 के साथ। तब अपन ने क्या पढ़ा था कि इस A1 का संबंध यानी इसके पहले अवयव का संबंध इसके लास्ट वाले अवयव से भी होना चाहिए, ये पढ़ा था।
अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या ऐसा संबंध परिभाषित है या नहीं है। सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ अपना जो संबंध है वो एक का छः के साथ संबंध है। दूसरा अपन देखें यहाँ पर पहली बात तो छः का किसी संख्या के साथ संबंध ही नहीं है, इसका मतलब ये संबंध संक्रामक भी नहीं होगा क्योंकि इसके कोई अवयव मौजूद नहीं है। अब यही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। इसी प्रकार के और क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।